सारा खान और अली मर्चेंट के बीच में हुई वर्बल फाइट। डील जो की थी इन दोनों ने वो टूट चुकी है। आखिर में क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, जब से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं सारा का मूड जो है वो काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहा है लॉकअप के अंदर। दरअसल उनके एक्स हस्बैंड अली मर्चेंट की एंट्री जो है वो लॉकअप में हो चुकी है, जिसके बाद से सारा और अली के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये डील हुई थी कि दोनों जो हैं अपने पास्ट को यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे और दोनों जो हैं वो अपना इंडिविजुअल गेम जो है वो दिखाएंगे। लेकिन टास्क के दौरान इन दोनों के बीच में वर्बल फाइट देखने को मिली है, जहां पर टास्क जो था मैन अगेंस्ट सपेरा, ये टास्क रखा गया था जहां पर एग्री और डिसएग्री करना था। ये क्वेश्चन किया गया कि सारा जो है वो अली मर्चेंट को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इसको लेकर फाइट हो गई, जिसके चलते सारा का कहना था कि जब अली को पता था कि मैं इस शो में ऑलरेडी हूं तो यहाँ पर अली को आने की जरूरत नहीं थी। वहीं अली मर्चेंट यही चीज कहते हैं कि वो यहाँ पर जो है सारा के बलबूते से नहीं आए हैं, वो अपनी खुद की काबिलियत के वजह से यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी चीजें जो है लॉकअप के अंदर देखने को मिली, जहां पर सारा और अली जो है वो अपनी जो डील की थी उन्होंने वो भूलते हुए दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। जाना चाहूंगे मैं आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।